Hello everyone, so I am Veena Madra. Welcome back to my channel, and first of all I would like to thanks to my 200 subscribers. Thank you so much. Do like my video and subscribe to my channel. So today I am talking about culotte pants tutorial, जो कि आप घर पे कैसे बना सकते हैं. बहुत ही ईजी है इसे बनाना. वीडियो के साथ में मैंने इसको एक घंटे में कम्प्लीट किया है. डेफिनेटली आप इसको आधे घंटे में आराम से बना सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है तो. सेकेंड चीज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टाइलिंग के, आप क्लॉट पैंट्स के साथ में कितने स्टाइल कर सकते हैं. थर्ड चीज ये रहेगी फैब्रिक सिलेक्शन, फैब्रिक सिलेक्शन आपको कैसे करना है. सो मैं आपको वीडियो के साथ साथ में बताती रहूंगी कि आपको फैब्रिक सिलेक्शन कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्लॉट पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर रेयॉन्स क्लब फैब्रिक यूज किया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और समर के लिए एकदम परफेक्ट फैब्रिक है. बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड 100% कॉटन बेस्ड है. बैक पार्ट कट करने के लिए साइड से आपको हिप राउंड से 4 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके फैब्रिक को कट कर देना है. मैं यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक इसलिए यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक एंड बहुत ही फ्लोई फैब्रिक है. बॉटम के लिए आप रेयॉन फैब्रिक यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा सी थ्रू नहीं है और काफी कंफर्टेबल भी है. बैक पार्ट कट करने के बाद में अब आपको क्रॉच मेजर करना है. नॉर्मल क्रॉच का लेंथ 12 इंचेस होती है एंड विड्थ आपको 2.5 एंड 3, मोर देन इनफ है. एंड देन यहाँ से दोनों लाइंस को मेजर करके क्रॉच मेजर करने के बाद में स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है एंड एक्स्ट्रा सीम अलाउंस भी आपको यहाँ से मेजर करना है. मोर देन आप सीम अलाउंस ज़्यादा 1/2 इंच ले सकते हैं. यू कैन सी इन द वीडियो क्रॉच स्मूथ कर्व कट करके ही आपको ड्रॉ करना है एंड वहीं से आपको कट करना है. सेंटर पार्ट मेजर करके डार्ट के लिए मार्क कर देना है एंड देन यहाँ से नॉच कट कर देना है. सो ये डार्ट पॉइंट रहेगा जो कि बैक में डार्ट लगेगा. सेल्वेज को कट कर देना है यहाँ से. सेल्वेज कट करने से गार्मेंट की फिनिशिंग अच्छी रहती है एंड यहाँ से भी आपको स्लांट कट करके थोड़ा सा पैंट का शेप देके उसको यहाँ से कट कर देना है. सेकेंड पार्ट रेडी हो चुका है, अब आ रही है फ्रंट पार्ट की. लेंथ मेजर करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है, जो हमें बाद में काम आएगा बेल्ट बनाने के लिए. सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है क्रॉच बनाने के लिए. यहाँ पे फैब्रिक फोल्डेड था तो सेंटर से आपको कट कर देना, सो दैट हमें दो को यहाँ पे पार्ट मिलेंगे. स्टिचिंग में इजी हो इसलिए मैं बीट पिन यूज करती हूँ. सेंटर से जहाँ से आपने पेट पिन लगाई है वहीं से आपको स्टिच भी करना है एंड यहाँ पे सेंटर पार्ट कट करके आप जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको वेस्ट में एडजस्ट करके यहाँ पे आप प्लीट बनाना है आपको. यू कैन सी इन द वीडियो, जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है, बस थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ में काम करना है. 30 इंचेस वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पूरा फैब्रिक को फ्रंट में एडजस्ट कर दिया है एंड देन यहाँ से मशीन से आपको स्टिच कर देना है. ये डार्ट पॉइंट है जहाँ से आपको 4 से 5 इंचेस के डार्ट आपको स्टिच करने हैं. यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, फ्रंट एंड बैक. फ्रंट एंड बैक को साइड से जॉइंट कर देना है. अगेन मैं यहाँ पे बीट पिन यूज कर रही हूँ. बीट पिन यूज करने से स्टिचिंग में काफी इजी रहता है स्टिच करने में. तो दोनों साइड से स्टिच कर दिया है एंड देन अब मैं यहाँ से सेंटर से स्टिच करूंगी. दोनों साइड से स्टिच हो जाने के बाद में अब बारी आती है बेल्ट की.
मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप बेल्ट कैसे बना सकते हैं। मैंने अभी एक्स्ट्रा बेल्ट बनाया जो कि मैं फ्रंट में यूज़ करने वाली हूँ बेल्ट को। यहाँ पे स्टिच हो गया है, यू कैन सी। इफ यू डोंट वांट टू यूज बेल्ट इट्स ओके, यू कैन वेयर विदाउट बेल्ट। मैंने यहाँ पे सिर्फ लुक के लिए ही बेल्ट यूज किया है। बैक में फिटिंग के लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक ही यूज कर रही हूँ एंड मैं आपको इलास्टिक ही रिकमेंड करूंगी। बहुत इजी होता है इसे लगाना एंड कंफर्टेबल भी होता है। इलास्टिक से अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है सो इसको लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटर फिनिशिंग एंड बेटर फिटिंग के लिए आप वैसी इलास्टिक यूज करो जो कि बेल्ट की विड्थ हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा कुलॉट पैंट रेडी हो चुका है। इलास्टिक लगने के बाद में साइड से आपको स्टिच कर देना है। कुलॉट पैंट रेडी है। ये मेरा फाइनल लुक है। कुलॉट पैंट के ऊपर मैंने ब्लैक शर्ट जो कि रेयन फैब्रिक का ही है ये भी मैंने खुद से ही स्टिच किया है। आप चाहे अगर आपको स्टिचिंग आती है घर पे इसको स्टिच कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आउटफिट है, मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट ऑफ दिस समर। ऐसे ही आप कुलॉट पैंट्स के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल समर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आउटफिट है।